ओम शांति। हमारा आज का विषय है, हम खुश क्यों नहीं रहते। प्यारे दोस्तों, आज हर व्यक्ति खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, यद्यपि वह सोचता है कि परिवार हो, बच्चे हो, कोठी हो, अच्छी नौकरी हो, गाड़ियां हो, पढ़ाई में अच्छे नंबर आए, अच्छा कैरियर हो, आदि न जाने कितनी इच्छाएं जो खुशी प्रदान करते हैं पाने के लिए दिन रात प्रयास करता रहता है। परंतु होता क्या है, जब वह इनको पा लेता है तो कुछ समय पश्चात वह खुशी गुम हो जाती है, फिर दूसरी खुशी पाने के लिए प्रयासरत हो जाता है। युवा कितनी खुशी से बीटेक, एमटेक, एमडी, एमबीए आदि बड़ी मेहनत से पास करता है कि उसे खुशियां मिलेंगी, परंतु वही खुशी बेरोजगारी, इच्छानुसार जॉब ना मिलना आदि से तनाव ग्रसित हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों की शादी आदि करते हैं कि घर में खुशियां आएंगी, कितना खर्च कर खुशियां मनाते हैं, उसके पश्चात धीरे धीरे वही खुशियां जब खत्म होने लगती हैं, उसी घर में तनाव भिन्न भिन्न कारणों से बढ़ने लगता है। तो आज घर घर में यह दृश्य नजर आ रहा है, वृद्ध आश्रमों की गिनती बढ़ती जा रही है, तनाव के कारण खुशियां खत्म हो रही हैं, आत्महत्या, पारिवारिक झगड़े, कलह क्लेश, भ्रष्टाचार आदि ने हमारी सारी खुशियों को हमसे बहुत ही आसानी से छीन लिया है। चारों तरफ खुशियां पाने के लिए हर प्राणी प्रयास कर रहा है, उसी के प्रयास में वह और अधिक दुख की ओर बढ़ता जा रहा है। नशों की आदत, व्यर्थ का धन क्लबों पार्टियों में लुटाकर भी केवल अल्पकालिक खुशियां पा रहा है। परिणाम स्वरूप हॉस्पिटल का व्यापार बहुत ही गति से प्रफुल्लित होता जा रहा है। सोचने का विषय यह है कि इतने प्रयास करने के बाद भी हम खुशियों से कोसों दूर होते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, फिर भी मृग तृष्णा अनुसार उसे पाने की इच्छा भागे जा रही है। इसलिए आज संसार में सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है। हमारा जीवन विज्ञान ने इतना सरल कर दिया है कि हर वस्तु हमारी सेवा में एक उंगली के बटन दबाने से हमारे सामने आ जाती है। उस पलों में ही हम घर में बैठे सारे विश्व का दर्शन कर लेते हैं। परंतु खुशी के दर्शन कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जितना ज्यादा प्रयास हम खुशी के लिए कर रहे हैं, हमारे से खुशी उतनी ही दूर होती जा रही है। एक घटना याद आ रही है। एक बात की घटना है कि एक व्यक्ति की घड़ी खो गई, तो वह घड़ी ढूंढ रहा था। उसके और साथी भी घड़ी को ढूंढने में लग गए, बहुत कोशिश की परंतु घड़ी नहीं मिली, सारे कमरे में ढूंढी परंतु नहीं मिली। थक हार कर सोच रहे थे कि घड़ी गई तो गई कहां। इतने में एक और सज्जन आए, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी घड़ी खो गई, इसी कमरे में खोई है परंतु मिलने नहीं। उस सज्जन ने सभी को बाहर कमरे से बाहर बिठा दिया और स्वयं अंदर कमरे में बैठकर सोचने लगा कि घड़ी कहां गई। अभी वो सोच ही रहा था, उसके कानों के अंदर टिक टिक की आवाज आने लगी। तो उन्होंने घड़ी के देखा और घड़ी उठाई और उसके मालिक को दे दी। सब पूछने लगे कि आपने घड़ी इतनी जल्दी कैसे ढूंढी। तो उसने कहा कि मैं भी आपकी तरह ही ढूंढने लगा था, परंतु जब मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, चुप बैठा था, तो मेरे कानों के अंदर घड़ी की टिक टिक की आवाज आई और घड़ी मेरे हाथ में थी। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार खुशी एक ऐसी प्राप्ति है जो हमें अपने अंदर से मिलने वाली है,
बाहर की खुशी अल्पकालिक होगी, परंतु अंदर की खुशी के साथ मिलकर वह सोने के सुहागा जैसे कार्य करने लगती है। तो सच्ची व वास्तविक खुशी स्वयं में ही खोजनी होगी। अक्सर देखने में आ रहा है कि लोग क्लबों में, होटलों में, पिक्चर हॉल में या नशों के आनंद में खुशियां पाने के लिए ही तो जाते हैं, परंतु जैसे ही वह खुमार उतरता है स्थिति वही की वही बनी रहती है। आज एंजॉयमेंट के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या प्रयास कर रहा है, अपना धन, संबंध, परिवार, समय, स्वास्थ्य सब कुछ दांव पर लगा रहा है, फिर भी वह खुशी उसे नहीं मिल पा रही। वर्तमान की प्राप्त खुशियों की आयु दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, परंतु यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप खुशियों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है छोटे छोटे कदम उठाने की, जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, परंतु पूर्णकालिक खुशियों पर प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा स्वयं पर ध्यान दीजिए, अपने एटीट्यूड को बदलें, हर स्थिति को अलग से समझने का अपना दृष्टिकोण बदल लें, तो यह संसार खुशियों भरा नजर आने लगेगा। एक घटना याद आती है कि एक बार राजा की आंखें खराब हो गई। शहर के प्रमुख वैद्य को बुलाया गया तो वैद्यराज ने कहा, महाराज आज से आपको केवल हरा रंग ही देखना है, हरी चीज ही देखनी है, केवल हरे रंग को ही देखेंगे, अन्यथा आप अंधे हो जाएंगे। तो राजा ने मंत्रियों को बुलाया, हालात का जायजा लिया, तो ये फैसला लिया गया कि सारा शहर, सारी प्रजा के लोगों के कपड़े, सबके मकान हरे रंग से कर दिए जाए। तो इस प्रकार महाराज की आंखों को बचाने के लिए कार्य प्रारंभ हो गया। तो कुछ समय के बाद सारा खजाना खाली हो गया, वो तो होना ही था। राजा को बताया गया कि अब क्या किया जाए महाराज। तभी एक व्यक्ति वहां पधारे तो उन्होंने सारी बात को सुना और कहा कि महाराज इसका बहुत ही साधारण सा और सरल उपाय मेरे पास है, अगर आप इजाजत दें। तो राजा ने पूछा, बोलो। तो उन्होंने अपनी जेब से एक हरे रंग का चश्मा निकाला और राजा की आंखों पर लगा दिया। तो राजा हैरान रह गया कि महाराज अब आप जिसको भी देखेंगे सब आपको हरे ही नजर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, सारी समस्या का समाधान हो गया, परंतु आवश्यकता है सरल से सरल उपाय की। अपने अंदर के दृष्टिकोण को बदल लेंगे तो खुशियों से झोली भर सकेगी। हम स्वयं को नहीं बदलना चाहते, औरों को बदलने में अपनी खुशियां तो खो ही देते हैं, साथ साथ वह व्यक्ति भी हमारे से दूर हो जाता है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, परिस्थितियां या वातावरण होता है, उसको देखने का दृष्टिकोण हमारी खुशियों और गमों को निर्धारित करता है। मृत्यु, गरीबी, अस्वस्थ जीवन, बेरोजगारी, असफलता, कटु संबंध, ये जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, जिनमें से हमें सबको गुजरना पड़ता है। चाहे कोई भी कितना ही बड़ा हो, धनवान हो, गरीब हो, महान हो, सबके जीवन में ये घटनाएं होती हैं, होती ही रहेंगी, उन्हें पार करना ही होगा। तो हमें इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब घटनाएं आएंगी और चली जाएंगी, रुकेगी नहीं, परंतु हम भी चलते रहे, हमारी आंतरिक सुख शांति को छीन ना सके। हमें ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा, अपनी थोड़ी सोच को बदले, सकारात्मक बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, तो यही घटनाएं होंगी तो अवश्य, परंतु हम उनको अपनी आंतरिक सोच व दृष्टिकोण से बदल देंगे। हमें इनको पार करना ही होगा। थोड़ा सा झटका तो अवश्य लगेगा, परंतु उसके बाद नॉर्मल होना ही होगा, अन्यथा घटना तो हुई और चली गई, हम वहीं पर खड़े रहे।
दुखों के अंधेरे में भटक जाएंगे। रोशनी की मशाल लेकर हिम्मत हौसला और संसार के ड्रामा के खेल को निष्पक्ष होकर देखेंगे तो आप इन परिस्थितियों से निकल सकेंगे। इसमें आपको स्वयं को ही स्वयं का मोटिवेटर बनना होगा, अन्यथा लोग तो आपको पुरानी बातें याद कराकर फालतू की चर्चा करके और ही डीमोटिवेटर करेंगे। आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना होगा, चाहे वह किसी भी प्रकार की घटना होगी। सहानुभूति के रूप में आपके विशेष बनकर आपके जीवन से सुखों को खत्म करने का सहयोग करते हैं, चाहे वे आपसे सहानुभूति रखते होंगे, परंतु आप अनेक प्रकार की बातें सुनकर और ही कमजोर व दुखी व अशांत में डूब जाएंगे। हमें उनसे अपना बचाव करना होगा। हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम अपनी खुशी शांति गुम न होने दें, क्योंकि हमें कहीं से लेने नहीं जानी, ये हमारे अंदर ही विराजमान है। हमारे में समाई हुई ये सब शक्तियां हमारे दृष्टिकोण की खान में मिलती हैं, जिसे हम बाहर निकालकर अपने प्रयोग में लाना होगा। खुशी को बरकरार रख सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को भरपूर खुशहाल बना देगा। धन का अत्यधिक होना या न होना इस पर हमारी खुशी निर्भर नहीं करेगी। साधन होना या कम होना या बिल्कुल ना होना पर हमारी खुशी आधारित नहीं होगी, बल्कि खुशी हमारे जीवन की अपने हाथों द्वारा लगाई गई फसल का फल है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल दीजिए, अपनी खुशियों अनुसार बनने का। खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, आपको केवल आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाना है। खुश ना रह पाने का एक और बड़ा कारण है कि अधिक बोलना। आज के समय में यह समझा जाने लगा है कि जो अत्यधिक बोलता है वह ही ज्यादा सफल होता है, जो कि गलत धारणा है, जबकि जितना आप कम बोलेंगे उतना ही आप खुश रह सकते हैं। अधिक बोलने वाला कई बार अपने ही जाल में फंस जाता है, स्वयं ही परेशानियों का कारण बन जाता है। हर बात में अपनी टांग अड़ाने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। कम बोलने वाला हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर दुविधा में, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अपना कम बोलने के कारण कम से कम दुविधा में फंसता है। कम बोलने वाला एक युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा कवच की तरह सहयोग देता है। अधिक बोलने वाले को बहुत बार स्वयं को ही पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि उसके अधिक बोलने के कारण बनी बनाई बात बिगड़ जाती है, कई प्रकार की नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कम बोलने वाले का समाज में ये महत्व होता है, लोग उसकी बात को ध्यान देकर सुनते हैं। अधिक बोलने वाले के बारे में तो लोगों के मन में यह बात बैठ जाती है कि अमूक तो वैसे ही व्यर्थ बिना मतलब के बोलता रहता है। व्यर्थ बोलने वाले को अपनी बातों को सिद्ध बार बार करना पड़ता है। कम बोलने वाला अपनी आधी बात तो चुप रहकर ही सुना देता है, केवल अपने आंखों के इशारों से ही काम चला लेता है। तभी तो कहा जाता है कि एक चुप सौ सुख, अर्थात जितना हम कम बोलेंगे उतना अधिक सुखी रहेंगे, अर्थात उतना ही हम अधिक खुश रह सकेंगे, तो हम शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकेंगे, परेशानियों से अपना बचाव कर सकेंगे, कई प्रकार के झगड़ों में उलझेंगे ही नहीं, लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, हमारे शब्दों को सम्मान देंगे। कम बोलने वाला अधिक बोलने वाले से कहीं ज्यादा अधिक रिस्पेक्ट पाता है, उसका परिणाम अर्थात फल खुशी के रूप में मिलता है। तो आइए हम अपने जीवन में इस प्रकार का अभ्यास प्रारंभ करें, तो हम बिना विशेष मेहनत के खुशियों में जीने का आनंद लेना प्रारंभ करें। तो दोस्तों, ये कुछ विचार खुश रहने के आपके सामने शेयर किए। इस श्रृंखला में हम इसे
और विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले इनका अभ्यास तो शुरू कीजिए, तो उसका परिणाम देखिए और अपने विचारों से भी हमें अवश्य शेयर कीजिए कि उसका परिणाम क्या मिला। नेक्स्ट टाइम की चर्चा तक के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।